हाँ भैया, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन चैप्टर अपना चल रहा है, बीकॉम सेकंड ईयर, इनकम टैक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चमन ने एक्स लिमिटेड के 300 ऋण पत्र 140 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से 12/8/2004 को खरीदे, तो 2004-5 में खरीदा हुआ माना जाए, और 300 ऋण पत्र थे, खरीदे कितने में? 140 रुपये प्रति से। फरवरी 2007 में इन ऋण पत्रों को 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 5 अंश प्रति ऋण पत्र की दर से परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पे क्या कहा उसने, फरवरी 2007 में इन ऋण पत्रों को 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 5 अंश प्रति ऋण पत्र की दर से परिवर्तित किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें? एक के बदले में 5 दिए गए, क्या चीज? ऋण पत्र। इस प्रकार चमन को 1500 अंश 300 ऋण पत्रों के बदले प्राप्त हुए। तो यहाँ पे 5 अंश जो है वो उसके दिए गए हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, एक के बदले में 5, तो 300 के बदले में 1500, है ना? तो 300 × 5 हो जाएगा, यानी 1500 आता है। आगे इन अंशों को 15/12/2019 को हरी को व्यक्तिगत रूप से 300 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिया गया। तो सेल कर दिया सारे के सारे अंशों को, कितने में? 300 रुपये। विक्रय मूल्य पर 2% दलाली चमन ने दी। चमन के इस व्यवहार से होने वाले पूंजी लाभ की से आय ज्ञात कीजिए। वित्तीय वर्ष 2004-5 का इंडेक्स है 113 और 6-7 का इंडेक्स है 122। तो इस प्रश्न में मूल रूप से हम ये समझे कि परचेज डिबेंचर हुए थे और बेचे शेयर गए हैं, क्योंकि उस डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक। तो चूंकि सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लिखना है, तो सेल कंसिडरेशन शेयर्स का आएगा और कॉस्ट डिबेंचर की ली जाएगी। बस ये इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। सेल कंसिडरेशन, तो कितने में बेचे? 1500 × 300 कितना होता है? 450 प्लस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो 300 डिबेंचर थे, 140 की रेट पे खरीदे, 289 इंडेक्स में ऊपर की तरफ लिखना है। अब बट्टे में कौन सा आएगा, यही इसमें सीखने की बात है। तो वो जो कन्वर्जन की डेट होती है ना, उसी का ही इंडेक्स दाम में लिया जाता है। तो कन्वर्जन कौन से ईयर में हुआ था? 6-7 में। तो 6-7 का इंडेक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, वो है 122। तो ये 2006-7 का हो गया, कितना हो गया? 99,492। और एक आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, कितना परसेंट है? तो वो आपके आता है 9,000, दोनों घटा देंगे 341,092, 508 आंसर दिया हुआ है। ये आपका हो गया LTCG, बस ये इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है, श्री सीताराम ने 1 नवंबर 2019 को एक मकान 40 लाख में बेचा, ठीक है। यह मकान उन्होंने 1980 में 80,000 रुपये की लागत पर बनवाया था एवं रिहायशी उपयोग में आ रहा था। तो
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है कि उन्होंने क्या किया, 1980 में ये लिया था, तो हमें 2001 की वैल्यू लेनी है। सेल कंसिडरेशन 40 लाख दे ही रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इसके अतिरिक्त उसके पास एक मकान और है, इसी संपत्ति को उन्होंने 25,50,000 रुपये में बेचने का अनुबंध अप्रैल 2019 में किया था और 1 लाख रुपए अग्रिम प्राप्त किए थे, तो ये एडवांस हो गया। जुलाई 2019 में अनुबंध पूर्ण न होने पर श्री सीताराम ने अग्रिम राशि जब्त कर ली, तो एडवांस को हम अदर सोर्सेज में लिखते हैं। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को 2 लाख रुपए एक राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण के अधिसूचित बॉन्ड में जमा कराए, तो ये धारा 54EC की छूट आ जाएगी, 54EC। आगे, निर्माण के बाद इस मकान के सुधार पर वर्ष 2006-07 में 5,60,000 रुपये व्यय किए गए, इस पे राइट लगा लो, ये आएगा। कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। मकान के विक्रय पर दलाली 3% दी गई थी और 10,000 अन्य खर्चे हुए थे, तो ये दोनों ही माइनस करने हैं। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 7 लाख रुपए था। वित्तीय वर्ष 2006-07 का लागत वृद्धि सूचकांक 122 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया सारा, सॉल्व करते हैं इसे। सेल कंसिड्रेशन सबसे पहले लिखेंगे, तो सेल कंसिड्रेशन आपके दे रखा है कितने में, 40 लाख में, है ना? सेल कंसिड्रेशन ऊपर ही ऊपर लिखा है पहली लाइन में, आप पढ़ो वापस एक बार। 40 लाख में उसने फाइनली बेचा था, पहले एग्रीमेंट कितने में किया वो मतलब ही नहीं था, तो 40 लाख सेल कंसिड्रेशन होगा लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 3%, 40 लाख का निकालो कितना होता है, 1,20,000 प्लस 10,000 एक और है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,30,000। ये 1,30,000 आपके घटाना है लेस इंडेक्स कॉस्ट 2001 के लिए, तो 2001 के हिसाब से देखिए तो 7 लाख उसकी मार्केट वैल्यू थी, इनटू 289 लेना है, बट्टे में 100 लेना है क्योंकि 2001 का इंडेक्स कितना था, 100 कितना होता है, 20 लाख, 23,000 ये भी घटाना है, और तीसरा इम्प्रूवमेंट करा था तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो ईयर 2006-07 है क्या, कितना था, कितना खर्च करा, 5,60,000 इंटू 289 अपॉन 122, सॉल्व करें 13,26,557। अब आप इसकी टोटल लगा लें और घटा दें, तो घटाने पर कैपिटल गेन आएगा कितना आता है, 5,20,443, सही है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54EC, ये जो है ना रोडवे वाला, ये कौन से थे, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड से, तो वो कितने खर्च किया उसने, 2 लाख इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख घटा देंगे। ये देखो अपने सबसे पहली डिडक्शन इसी प्रश्न में आई है,
इससे पहले कोई डिडक्शन नहीं आई थी, तो आता है 3,20,443। ये एल टी सी जी आपका आंसर हो गया। बस ये इतना ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है, नई चीज़ धारा 54EC थी। धारा 54EC पढ़ो, आपको याद आ जाएगा, उसमें दो इन्वेस्टमेंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया हुआ है, गत वर्ष के लिए श्री मिहिर वीरानी के रिहायशी मकान की बिक्री के संबंध में निम्न सूचनाओं के आधार पर पूंजी लाभ की गणना कीजिए जो कुल आय में शामिल होगा। 1969 में मकान खरीदा 2,50,000, 1 अप्रैल 2001 को उचित मूल्य 15 लाख, तो हमारे लिए इसकी कॉस्ट ये हो जाएगी। जनवरी 2020 में बेच दिया, कितने में बेचा इसे? 90,05,000 में, तो ये सेल कंसीडरेशन हो गया। दिसंबर 2019 में एक अन्य रिहायशी फ्लैट खरीदा, कितने में खरीदा? 12 लाख। बेचा क्या था? मकान। खरीदा क्या है? मकान, तो मकान के बदले मकान, धारा 54। 15 जून 2020 को उसने 15 लाख रुपए में भारतीय स्टेट बैंक की जयपुर शाखा में पूंजी लाभ जमा योजना में खाते में जमा कराए, तो कैपिटल गेन में अकाउंट में जमा कराते हो तो वो भी आपके छूट मिलती है, तो ये कैपिटल गेन अकाउंट हो गया, कैपिटल गेन अकाउंट, तो उसमें पैसे की छूट मिलेगी। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में उसने अजमेर में एक रिहायशी बंगला 11,10,000 रुपये की लागत में बनवा लिया। इस मकान की पूरी लागत उपरोक्त जमा खाते में से निकाल कर लगाई गई थी और प्रयोग में न लाई गई राशि 15 नवंबर 2021 को निकाल ली गई थी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये अपने को इसमें बताना है। एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल कंसीडरेशन, तो वो आपके कितने में दिया उसने? सबसे पहले उसने बेचा है क्या? कितने में बेचा है? 90,05,000, तो 90,05,000 में बेचा, ये उसका सेल कंसीडरेशन हो गया। लेस इंडेक्स कॉस्ट 2001 की लेनी है, तो वो आपके 15 लाख है इंटू 289/100, 43,35,000। इसे घटा देंगे तो घटाने पर आएगा एल टी सी जी, कितना आता है? 46,70,000, 70,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, मकान के बदले में मकान, तो वो आपके है। नया जो फ्लैट खरीदा वो 12 लाख में खरीदा, और जो उस खाते में जमा कराए थे वो भी इसी में ही जुड़ जाता है, तो खाते में कितने जमा कराए? 15 लाख, तो ये डिपॉजिट कराए थे, है ना? तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 27 लाख। इसे घटा देंगे तो आप क्या आएगा? टैक्सेबल 19,70,000। ये आपका 2021 का जो ईयर है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके,
अब हमारा 21-22 का जो ईयर है उसमें कोई घटना हुई नहीं है, असेसमेंट ईयर है ना। तो अब हम सीधा लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फ्रॉम सीजी और ईयर लिखेंगे 2022-23। 21-22 में जो घटना होती है उसको लिखते 22-23 में है, बस याद इतना रखना है। तो उसने पैसे निकालना और फ्लैट खरीदना ये 21-22 में किया था, तो लिखे उसे कौन से ईयर में, 22-23 में लिखेंगे, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। तो उसने सबसे पहले इसमें कितना पैसा निकाला था, कैश विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट कितना था, 15 लाख रुपए निकाले थे, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे यूज्ड फॉर फ्लैट, फ्लैट में लिया था या बनवाया था, मकान बनवाया था क्या, यूज्ड फॉर हाउस कितना यूज किया, 11,10,000। तो जितना मकान बनवाने में यूज किया ना उतनी की ही छूट उसको मिलेगी, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। कितना आता है, 3,90,000, ये टैक्सेबल आ जाएगा। तो 2022-23 में सिर्फ इतना ही होगा, इसमें हमने सेल कंसिडरेशन नहीं लिखा क्योंकि बेचा तो है ही नहीं। ये जो 15 लाख रुपए ऊपर डिपॉजिट कराने से टैक्स फ्री हो गए थे धारा 54 में, तो वो हमने लिख दिया कि भाई इतना पैसा था, उसमें से यूज़ कितना किया मकान के लिए, 11,10,000। तो जितना मकान के लिए यूज़ किया उतना लेस कर दिया, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बाकी उसने पर्सनल यूज़ ले लिया है, तो पर्सनल यूज़ जो है वो टैक्सेबल होता है। बस ये इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्री तरंग ने गत वर्ष 2019-20 के दौरान निम्न संपत्तियां हस्तांतरित की, जिसमें गुडविल, टेनेंसी राइट, ट्रेडमार्क, ये तीन तो वो संपत्तियां हैं जो इनटेंजिबल कहलाती हैं, और एक हो गई लैंड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1976 का दे रखा है गुडविल के लिए और लैंड के लिए। फेयर मार्केट वैल्यू 2001 के लिए गुडविल की, टेनेंसी राइट की, ट्रेडमार्क की और लैंड चारों की दे रखी है। सेल कंसीडरेशन कितने कितने में बेचा, गुडविल 5 लाख में, टेनेंसी राइट किराएदारी अधिकार 2.5 लाख रुपए में, और ट्रेडमार्क 4 लाख रुपए में, और लैंड 20 लाख रुपये। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए तरंग की कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों दे रखी है, तो इनको किस तरीके से करेंगे, गुडविल का क्या नियम है, ट्रेड टेनेंसी राइट का क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में चार संपत्तियां बेची हैं, तो चारों के चार अलग अलग कॉलम बना देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेल कंसिडरेशन, वो आपको चारों का अलग अलग दे रखा है। पहले गुडविल 5 लाख, फिर टेनेंसी राइट 2,50,000, फिर 4 लाख ट्रेडमार्क का, और लैंड 20 लाख, लेस कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो इंडेक्स कॉस्ट में टेनेंसी राइट में निल कर दो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, और ट्रेडमार्क इससे भी निल कर दो, इससे भी कोई कॉस्ट नहीं। गुडविल
अगर 2001 से पहले है तो इसकी 2001 से पहले की खरीदी हुई है, देखो लिखा हुआ है ना, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है 20,000, और लैंड भी 2001 से पहले की है ना, तो उनका 2001 का मूल्य ले लेना है, 2001 किसका, गुडविल कितने का है, 2 लाख के 20,000 है, गुडविल 20,000 में खरीदी थी, ठीक है, और उसका वैल्यू बताता है कि वो इतना था क्यों, यही तो है। देखो एक बार, उसने लिखा कि गुडविल जो है 1976 में आपकी थी, 20,000 में खरीदी थी, और 2001 का मूल्य लिया हुआ है 2 लाख फेयर मार्केट वैल्यू। गुडविल के मामले में क्या है कि जितने में खरीदते हैं वो मूल्य ही लेते हैं, इंडेक्स 2001 का लेते हैं, क्लियर। तो 20,000 इंटू 289 अपॉन 100, तो गुडविल का मामला तो सेट हो जाएगा, कितना आता है, 57,800। और दूसरा आपका है लैंड, उसका वैल्यू कितना दे रखा है, मार्केट वैल्यू लेना है इसमें, तो वो आपके है 4 लाख इंटू 289 अपॉन 100, 11 लाख 56,000, बस ये इतना ही क्वेश्चन है, लेस करेंगे सारे आंसर आ जाएंगे, टैक्सेबल। कितना आता है पहले का, 4,42,200, नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 4 लाख, नेक्स्ट 8 लाख, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, चारों आंसर आ गए, गुडविल का नोट कर लो, गुडविल की कॉस्ट एक्चुअल लेनी है पर इंडेक्स 2001 से करना है, ठीक है, तो ये इतना सा गुडविल के मामले में याद रखना है, बाकी सारा कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, 1 अप्रैल 2019 को श्री अशोक के पास स्वदेशी लिमिटेड के 500 अंश थे, इसमें से 100 अंश उसको 2003-04 में बोनस अंश के रूप में प्राप्त हुए थे, जबकि 200 अंश 2002-03 में 175 रुपये प्रति अंश की दर से क्रय किए थे। इन अंशों को क्रय करने के संबंध में 200 रुपये दलाली एवं अन्य व्यय के रूप में चुकाए गए। 1 अक्टूबर 2018 को स्वदेशी लिमिटेड ने 100 रुपये की दर से अधिकार अंशों का निर्गमन किया, श्री अशोक को 200 अधिकार अंश प्राप्त हुए। तो आप देखिए नोटिस में कि 500 अंशों की गणित आ गई है, पहले 100 थे, इसमें 100 अंश बोनस अंश थे और 200 प्राप्त किए थे और 200 अधिकार अंश हो गए, तो 200, 100 और 200, 500 हो गए ना टोटल, तो 500 शेयर थे। श्री अशोक ने अपने मित्र के माध्यम से सभी 500 अंशों को मई 2019 में 190 की दर पर बेच दिया, तो 500 इंटू 190 में बेचा तथा 1,000 रुपये दलाली के व्यय के। श्री अशोक के पूंजी लाभ की गणना कीजिए, वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक 105 रुपये था। तो बस ये इतना ही क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लें। शेयर, तो ओरिजिनल शेयर आपके सेल कंसिडरेशन कितना है उसका, दो सौ शेयर थे, 190 के हिसाब से बेचे तो कितना हो जाएगा, 38,000। इसमें से लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कितना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कितना दे रखा है, दिया हुआ है क्या, एक मिनट रुकना,
1000 इंटू 200/500 कितना आता है? 400 लेस करना है, और लेस इंडेक्स कॉस्ट। तो इंडेक्स कॉस्ट में ये शेयर खरीदे थे इसने 175 रुपये से, तो 200 इंटू 175 प्लस 200 रुपये खर्चा किया था, तो ये जोड़ेंगे कितना आता है? 35,200। इसे इंडेक्स करेंगे 289 डिवाइड बाय कौन से ईयर का है, तो 105 लिख दो। कौन सा ईयर है? 2002 तीन। कितना आता है ये? 96,884। बस इतना ही है, लेस कर दो। कितना आता है LTCG? हाँ बेटा, कितना आएगा? माइनस का आएगा, माइनस का 59,284 लॉस हो गया। तो LTCG लिख के माइनस लगा दो तो भी एक ही बात है। सेकंड, बोनस शेयर। बोनस शेयर में सेल कंसीडरेशन, तो 100 शेयर थे, 190 से बेचा, तो इसकी कॉस्ट हो गई 19,000 सेल कंसीडरेशन। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस केवल घटाना है, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तो 1,000 टोटल खर्च था, जिसमें 100/500 कर देंगे, कितना आएगा? 200 रुपये। समझ में आता है ना? 1,000 रुपये जो खर्च हुए ना, वो सारे 500 शेयर पे हुए। आ रही बात समझ? तो हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 1,000/500 करते हैं, तो 2 रुपये पर शेयर समझ लो। तो 2 रुपये पर शेयर से 100 का 200 हो जाएगा। उसके बाद में लेस कॉस्ट, तो बोनस शेयर की कॉस्ट निल होती है, तो निल कर दो। घटाएंगे कितना आता है? 18,800। ये प्लस का आया है LTCG, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फाइनल LTCG कितना आ जाएगा? तो टोटल में ये माइनस में से ये एक प्लस वाला घटा दो, तो फाइनली माइनस का कितना आएगा? 40,484 दिया हुआ है। कोई नहीं, अलग अलग तो दे रखा होगा। चलो नेक्स्ट आपका थर्ड लिखे, वो है राइट शेयर का। तो राइट शेयर में आप लोगों को लेना है कितने में बेचा, थर्ड पॉइंट लिख दो, राइट शेयर। हाँ बेटा, सबसे पहले 200 शेयर थे, तो सेल कंसीडरेशन 200 इंटू 190 गुणा करने पर कितना आता है? 38,000 लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तो आप इसका ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस 1,000 इंटू 200/500, या 2 रुपये से सीधा गुणा करते तो भी आ जाता, कितना आता? 400 रुपये। लेस कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी क्या? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो केवल कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट आपकी कितनी है? 200 शेयर हैं, 100 रुपये से लिए हैं, है ना? देखो एक बार, तो 20,000 केवल कॉस्ट कटानी है। इंडेक्स नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो STCG आपके आएगा 17,600। बस ये इतना ही सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।